हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डाले उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिल जाए और सबसे पहले आप हमारे वीडियो देख पाओ तो दोस्तों छोटे पर्दे का मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा में सोमवार 29 जुलाई 2024 के एपिसोड में फुल ऑफ ड्रामा रहने वाला है तो आइए जानते हैं कि आज के एपिसोड में और क्या क्या होने वाला है हिंदी टीवी सीरियल अनुपमा में रोजाना एक बड़ा ड्रामा होता है बीते एपिसोड में देखने के लिए मिला था कि सागर उसे आशा भवन लेकर आता है जहां वह अनुपमा को देखते ही चीख पड़ती है तो आइए जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या होने वाला है आज की एपिसोड में आप देखेंगे कि मीनू अनुपमा को भागकर गले लगा लेती है और फिर वह उससे वही खड़े होकर ढेर सारी बातें करने लगती है तभी अनुपमा उसकी आरती उतारने वाली होती है लेकिन वनराज वहां पर आकर तमाशा कर देता है वनराज अनुपमा के हाथ से आरती की थाली उछालकर फेंक देता है और उसे शाह परिवार के लोगों से दूर रहने की नसीहत देता है इस दौरान दोनों के बीच भयंकर तमाशा होता है और तभी वनराज आशा भवन को आग लगाने की धमकी देता है इस मौके पर मीनू अपनी गलती मानती है और फिर वह शाह हाउस की तरफ लौट जाती है इसके बाद वह यहां पर सबसे मिलती है और वनराज और अपनी नानी बा से माफ़ी मांगती है तब थोड़ा बहुत बा भी देती है और वनराज भी उसे अनुपमा से दूर रहने की चेतावनी दे देती सीरियल में आगे देखने के लिए मिलेगा कि किंजल मीनू से मिलती है और फिर वह वनराज और अनुपमा के बीच की सारी बातें उसे बताती है दूसरी तरफ़ आशा भवन के लोग शाह परिवार की बुराई करते हैं और अनुपमा पर तरस खाते हैं इसके बाद अनुपमा अनुज को पानी पिलाती है तो अनुज उसकी चोट के बारे में पूछ लेता है और ये सुनकर अनुपमा खुश हो जाती है इन सबके बीच मीनू का सामान सागर के पास पहुंच जाता है और इस तरह दोनों की कहानी शुरू होने का हिंट मिलता है कहानी में आगे दिखाया जाएगा कि अनुपमा आशा भवन की छोटी सी परी को संभालता है तभी उसे आध्या की याद आ जाती है और वह बार बार आध्या को याद करता है आध्या का नाम चिल्लाता है